हाफि साहब क्योंकि एक बहुत बड़ा गेम प्लान सा मुझे महसूस हो रहा है कि सडनली अभी चैम्पियंस ट्रॉफी की बात हो रही है साथ ही साथ एशिया कप की बात होने लग गई है एक बहुत ही सोचा समझा सा एक डिसीजन है जो कि आई डोंट नो कि इसका इशारा एक्जैक्टली exactly किस तरफ है होने क्या वाला है आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट का और एक्साइटमेंट का फैक्टर भी कहीं ना कहीं मौजूद है कि हम सोचते हैं कि पता नहीं क्या होता है आगे क्या नहीं होता कमिंग बैक टू प्लेयर्स एंड द परफॉर्मेंसेज ऑफ आर प्लेयर्स क्योंकि शाहिन्स को शिकस्त हुई बांग्लादेश से और uh, अगर हम देखें तो पहला मैच इन्होंने विन किया डिसीजन किया डिसीजन लिया बैटिंग की जबकि टॉस जो है वो दूसरी जानब से था हाफि सब क्यों पिच रीड करने में हम अक्सर ही गलती कर जाते हैं कहीं ना कहीं हमें फैसला क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए इसमें हम मिस्टेक्स का शिकार हो जाते हैं जबकि हमारे साथ एक्सपर्ट्स कोचेज और एक्सपर्ट्स की टीम होती है फिर भी इन चीज़ों की वजह से हम थोड़ा बहुत पीछे रह रहते हैं आपको नहीं लगता कि ये हार की वजह कहीं ना कहीं हमारी आ, जो डिसीजन्स थे पिच को लेकर हम पिच रीड नहीं कर पाए ठीक से देखिए आ... अगर आप सात आठ या छः सात आपके इंटरनेशनल क्रिकेटर आपकी शाह में खेल रहे हों और दूसरी तरफ से उतनी ज़्यादा इंटरनेशनल एक्सपोजर ना हो खिलाड़ियों को और उसमें आप आ, के रन्स तीन सौ से कम हो फोर डे मैच में हुँ. तो फिर आप उसको ये ये उज़र उतना ज़्यादा माना नहीं जा सकता कि आप आ, जाएंगे डार्विन में भी और वहाँ पर भी आपको ये मसाइल का सामना करना पड़ेगा अगर पिच रीडिंग का ताल्लुक़ है ये एक बड़ा अहम पहलू है बहुत बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी भी उसमें उतने ज़्यादा महारत नहीं रखते ये जैसे हर कोई हर काम नहीं कर सकता हर कोई पिच भी रीड नहीं कर सकता लेकिन ये जो पाकिस्तान शाहिंस की है ये तो सारी चीज़ें एक तरफ चली जाती हैं ना ये तो आप बिल्कुल ये कह ही नहीं सकते पिच अच्छा है बुरा है जैसा भी है उसी पिच पर बांग्लादेश भी खेला ना अगर उनके खिलाड़ी सिर्फ एक या दो मेरा ख़्याल खिलाड़ी हैं जिनको थोड़ा बहुत तजर्बा होगा बड़ी क्रिकेट खेलने का पाकिस्तान के तो अगर इस टीम में भी बात करें खुरम शहज़ाद भी मोहम्मद अली भी उसके साथ साहिबादा फरहान भी हसीबुल्ल्ला भी उसके अलावा तैयब ताहिर भी एक अदा और मेरे से नाम निकल रहा है तो पाँच छः खिलाड़ी उमर अमीन ठीक है कामरान गुलाम सात नाम फौरी तौर पर जेन में आए हो सकते हैं एक आधा और आ जाए तो अगर आपके छः सात खिलाड़ी इंटरनेशनल या मतलब उसमें से एक आधे कामरान गुलाम अभी खेले नहीं है लेकिन टीम के साथ ट्रैवल किया है उन्होंने तो इसके बावजूद भी अगर कोई पिच पर आता है तो फिर अनफॉर्चुनेट है मतलब पिच कैसी भी होती है साथ आपके अगर वो खिलाड़ी हैं तो आपको जीतना चाहिए और आपके चौथी इनिंग्स आपने खेलनी है आखिरी बारी आपने लेनी है तो आपके हाथ में है तो मेरा ख्याल है कि इस इस स्ट्रेंथ के साथ पिच बेमानी हो जाती है इस है। स्ट्रेंथ के साथ पिच बेमानी है बाकी ठीक है अगर आपने उसका यह कहना है किसी ने भी को ये समझता है कि शायद पिच खराब हो गई है सात खिलाड़ियों की कोई दलील दे दें छः या सात इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ आप खेल रहे हो और आपकी जो अपोजिशन है उसमें इतने इंटरनेशनल प्लेयर्स ना हो तो फिर तो आपको वन साइडेड मैच जीतना चाहिए आप छः में मतलब है कि चौथी इनिंग्स पे आए क्यों इस जगह पर के और रन्स नीचे से हुए हैं पचास रन अगर नीचे से निकाल दें तो आप तो ढाई पे पर बुक हैं जिन जिन्होंने रन्स किए हैं क्या वो बैटर्स बैटर्स तो नहीं हैं वो तो आपके बॉलर्स हैं जिन्होंने रन किए हैं पचास के करीब पचास पचपन रन जो ऐड हुए हैं सो ठीक है लोग अपने अपने अंदाज में गुफ्तु करते हैं लेकिन सात इंटरनेशनल लगभग छः करें कामरान गुलाम का छः इंटरनेशनल क्रिकेटर्स आपके खेल में अभी सब आपको नहीं लगता है कि स्ट्रेंथ को भी कहीं कही ना कहीं मिसयूज़ किया जा रहा है किसी की जो स्ट्रेंथ है उससे हटाकर उसको कुछ और ज़बरदस्ती दे, दे देना भी हमारी क्रिकेट का एक बहुत बड़ा मसला है देखिए ये, ये, ये ब, है अगर आप देखें इसी मैच में देख लें बैटिंग ऑर्डर देख लें एक पहले इनिंग्स में किसको कहाँ पर खिलाया दूसरी इनिंग्स में उसको क्या उस नंबर पर बैटिंग मिली है या नहीं मिली है तो तजर्बात की हद तक भी कहा जा सकता है लेकिन जब आपके जो आपके सेटल प्लेयर्स होते हैं जो आपके किसी भी जगह पर जिनको आपको पता हो कि ये उनकी महारत इस नंग, मतलब वो इस नंबर के खिलाड़ी हैं आप उसको क्यों बिला वजह छेड़ दें क्यों छेड़ते हैं और आप उनको फिक्स होने दें बनने दें उनको अपनी पोजीशंस पर खेलते हुए हार तो वैसे भी गए ना तो अगर अपनी नंबर पर वो खेले कोई भी खिलाड़ी तो वो उसके लिए सहूलत होगी ना मतलब हाँ। ये एक बड़ी साइकी है अगर आप किसी भी जगह पर फ़र्ज़ कर लें मैं दफ्तर रोज़ाना आता हूँ घर से निकलता हूँ एक सेट रूट है मेरा सेट रूट है ना मेरा एक मैं उसी से रोज़ाना फ़र्ज़ कर लें दस साल से मैं एक ही सड़क से जा रहा हूँ और अगर मैंने एक जगह एक दिन वो रास्ता बदला है ना तो मैं गैर गे, इरादी तौर पर मेरे जो हाथ है ना अगर मैं ड्राइव कर रहा हूँ या मैं पैदल चल रहा हूँ या मैं कुछ भी चला रहा हूँ हाँ। तो मैं उस तरफ मुड़ूंगा जहाँ पर मैंने दस साल सफ़र किया हुआ है

मुझे यहाँ से हटा कर किसी और टेबल पर बिठा दिया जाए तो मुझे कम्फर्ट फील नहीं होगा ऑब्वियसली बात है आपको एक फेमिलियर आप एक फेमिलियर हो जाते हैं एक जगह से आप बहुत ज़्यादा और आपको एहसास होता है कि नहीं ये चीज़ अब आपकी और आप यहाँ पर खुल कर खेल सकते हैं लेकिन अगर आपको अपनी कंफर्ट जोन से हटा दिया जाए आपको आपकी स्ट्रेंथ से हटा दिया जाए तो वे प्रॉब्लम होती हैं बहुत ज़्यादा होती हैं कहीं ना कहीं हमारी क्रिकेट के अंदर अगर खिलाड़ी क्योंकि एबिलिटी सबकी बहुत अच्छी है प्रैक्टिस वेरिएशंस की हमें जरूरत है प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा करते हैं सब कुछ सब कुछ हो रहा है हमें सब कुछ नजर आ रहा है तस्वीर आ रही हैं वीडियो सामने आ रही हैं हर चीज़ आ रही है लेकिन व्हाट्स व्हाट्स मिसिंग इज़ दैट द डिसीजंस जो हम फैसले लेने में जो हम गलतियां कर रहे हैं जो हम ज़बरदस्ती किसी पर कोई चीज़ उसकी नहीं है फिर भी उसके सर पर वो चीज़ डाल देनी ये भी कहीं कही ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा नुकसान दे रही है हमें साहब शाहीन आफरीदी ने कहा कि वो दस्तियाब हैं आगे टेस्ट के लिए बंगलादेश के लिए क्यों कहना पड़ रहा है उनको ये मतलब ये तो एक वाजिया सी बात है कि उनके बगैर शायद मुश्किल हो जाएगा खेलना तो खिलाड़ियों को ये इनसिक्योरिटी क्यों है देखें जब बाबर आज़म के बारे में ये आ, बात मीडिया के जरिए सामने आई थी तो आपको याद होगा कि उस वक्त आ, हमारा क्या मौक़ था पाकिस्तान के किसी भी ये है अदम तहफ़ और ये है गैर यकीनी की कैफियत जिसकी वजह से आपकी क्रिकेट ख़राब हुई है तो सवाल होते हैं उन्होंने तो खैर ब्राह रास्त खुद कह दिया ना हाँ।, हाँ बाबर की तरफ से तो बाबर साहब ने तो ब्राह रास्त नहीं कहा था उनकी तरफ से मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि वो अवेलेबल है और ये दोनों पाकिस्तान के अपने अपने शोबों में बैटिंग में और बॉलिंग में पाकिस्तान के लीडर हैं वो पाकिस्तान की बैटिंग को लीड करते हैं वो पाकिस्तान की बॉलिंग को लीड करते हैं और अगर इन दोनों खिलाड़ियों को भी ऐसे वक्त में जिस टीम का ये अहम हिस्सा है अपने बारे में ये बताना पड़े तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए लमह फिक्रिया तो ठीक है वो उनको अगर वो फिट हैं अगर वो दस्याब हैं तो वो खेलना चाहते हैं उन्होंने अपनी कप्तानी के हवाले से भी बात की है और जब आप पब्लिक में होते हैं मीडिया में होते हैं तो आप ये कह सकते हैं लेकिन ये है वो ग़ैर यकीनी की कैफियत जो कि बाज़ात लोगों को लगता है कि अगर दस तारीख को बात हुई है तो उस वक्त तो वह कहेंगे नहीं 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 ठीक है और बीस तारीख गुजर जाएगी अट्ठाईस आएगी वो कहेंगे नहीं है ए वो तो गलत कह रहे आहूँ ठीक कह रहा है तो आपको बिल्कुल एक लाइन लेनी चाहिए जहाँ पर आप गैर जानेबदार रहकर बात करें अगर बाबर आ, की तरफ से ये बात आई थी तो वो भी मुनासिब नहीं थी आ, शाहीन आफरीदी को खुद ये कहना पड़ा है ये भी चूँकि उनसे तो सवाल हो गया ना बाबर और उसका केस इसलिए जरा मुख्तफ है कि बाबर आजम खुद नहीं बोले थे मीडिया ने रिपोर्ट किया था इनसे सवाल हो क्योंकि उनके बारे में ये खबर पहले आई शाहीन आफरीदी के बारे में कि शायद शाहीन आफरीदी बाबर और रिजवान जो हैं वो बंगलादेश के ख़िलाफ़ सीरीज़ का हिस्सा ना हो तो अब जब वो उनकी किसी एक जगह पर मौजूदगी थी और वहाँ पर मीडिया मौजूद था और उनसे सवाल हुआ तो उनको यही जवाब देना क्योंकि उसके बाद ये खबर उनके हवाले से भी सामने आई कि वो दस्याब होंगे टेस्ट मैच के लिए आ, उनकी कुछ फैमिली मसरूफियात खानदानी मसरूफियात का भी बताया जा रहा था कि वो शायद उस वजह से ना हो लेकिन बाद में ये पता चला कि वो होंगे अब उनसे पूछा गया उन्होंने उसका इजहार किया लेकिन ये मजमू तौर पर चीज़ें चलती कहाँ से हैं यह आती हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ वहाँ से जो फैसले हो रहे हैं उसकी वजह से खिलाड़ियों मेंदम तहफ़ भी बढ़ता है अदम तहफुस का एहसास पैदा होता है गैर यकी की कैफियत पैदा होती है या आपके पूरी तौर पर आपके सोचने के अंदाज़ को मुतासर करती है और मजबूती तौर पर यह फिर खेल के ऊपर असरअंदाज होती हैं चीज़ें बिल्कुल होती है आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है इस चीज़ की वजह से और अगर हम देखते हैं तो ये हमारे वो खिलाड़ी हैं जो हमारे जिस तरह आप साहब अक्सर एक टर्म यूज़ करते हैं कि हमारे फ्लैग कैरियर हैं इन्होंने हमारा झंडा उठाना है और लहराना है और अपनी परफॉर्मेंस से साबित करना है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान किसी से कम नहीं है और अगर आप इनके दिलो दिमाग में क्योंकि देखिए चेयरमैन साहब ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया कि पी से कोई भी ख़बर बाहर ना आए जो भी आएगी वो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे लेकिन ख़बरें फिर भी बाहर आ रही हैं और उसके साथ साथ ना सिर्फ ख़बरें बाहर आ रही हैं बल्कि इस तरह की चीज़ें भी बाहर आ रही है जिससे खिलाड़ियों के जो हमारे टॉप प्लेयर्स हैं उनके दिलो दिमाग में भी आदम की सूरत हाल पैदा हो रही है तो की सूरत हाल पैदा हो रही है तो उनको यकीन इस चीज़ की यकीन दिहानी दिलाने की जरूरत पड़ रही है कि हम दस्तियाब हैं हम यहां पर मौजूद हैं तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर बहुत सारे लूप होल्स हैं जिनके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है हाफिज़ साहब का बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड वी विल जॉइन यू एवरी वन टुमारो कल आपसे फिर मिलेंगे मुलाकात होगी और डिस्कस करी चीजों के ऊपर और डेफिनेटली जो अभी डिसीजन पीसीबी की जानव से लिए जा रहे हैं जो भी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए लिए जा रहे हैं चेयरमैन साहब जो भी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं वो पाकिस्तानी क्रिकेट की बेहतरी के लिए हो तो बहुत मुनासिब है वरना फिर उंगलियां उठती हैं, सवाल उठते हैं और फिर सूरत हाल मजीद बिगड़ती है तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए नासन ना आपसे मुलाकात होती है कल अल्लाह हाफिज